आपके शहर सागर में पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए जेसीबी क्रेन हाइड्रा पोकलैन इत्यादि मशीनें किराए पर उपलब्ध। प्रथम ग्राहकों को 1500 रुपए तक की छूट। तो देर किस बात की, मशीनें चाहिए तो पायरेंट ऐप पर आइए। बुधवार को सागर जिले के साहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया। जानकारी कहती है कि बीते दिन मृतक शिवांश प्रजापति उम्र 2 माह 20 दिन को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने 2 टीके एक साथ लगा दिए थे, जिसके बाद रात में बच्चे के नाक से खून आने लगा। परिजन सुबह बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि ANM की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। शिकायत के बाद पुलिस ने मासूम बच्चे का पोस्टमार्टम कराया है। बताया जा रहा है कि बीते दिन करीब 3 बजे आंगनवाड़ी केंद्र में टीका लगाया गया था, जहां ANM शारदा बघेल द्वारा बच्चे को दोनों टीके एक साथ लगा दिए गए, जिसके बाद बच्चे का स्वास्थ्य रात से ही खराब होने लगा और सुबह 6 बजे उसने दम तोड़ दिया। कलादी सागर में और सिस्टर की लापरवाही के द्वारा हाई डोज देने के कारण हमें ले लाता है। ग्राम माने बराज में FIR करवा के सीधे हम कार्रवाई करेंगे सिस्टर के खिलाफ। BMO अमित असाटी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए PM रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। सूचना प्राप्त हुई है क्योंकि अपना रूटीन RI के शीर्षक है, प्रदेश में कई जगह लगते हैं, तो आज सुबह सूचना मिली है ड्यूटी डॉक्टर डॉक्टर पांडे द्वारा कि ग्राम तारपुर गाँव के लगभग 2 महीने का बच्चा ये मृत्यु आया है। परिजनों का टीका लगने के कारण हुई है, जिसकी विवेचना की जा रही है और उसका पोस्टमार्टम भी जा रहा है। साहगढ़ से तालिब खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।